हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्रेस्ट ओलम्पियाड से क्लास केजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स के लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम सभी बातों को ध्यान रखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्या मार्किंग रहती है। तो चलिए इसको हम देखते जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। टाइम हमारा 45 मिनट्स का रहता है और मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस रहते हैं। 10 मिनट्स एडिशनल इनको OMR शीट भरने के लिए दिया जाता है। टोटल 25 क्वेश्चंस रहते हैं और दो सेक्शन इसमें रहते हैं। एक है प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स और दूसरा है अचीवर सेक्शन। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस रहते हैं और अचीवर से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस पर मार्क्स 1 एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है। देयर आर ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहते हैं जिसमें से एक ऑप्शन पर ही टिक लगाना होता है। यहाँ पर बच्चे HB पेंसिल या बॉल पेन ब्लू या ब्लैक यूज कर सकते हैं। रफ पेज के लिए इन्हें एक स्पेस दिया जाता है जहाँ पर वो रफ कर सकते हैं। OMR शीट एग्जाम देने के बाद उनको एग्जामिनर को सबमिट करना पड़ता है। एग्जामिनेशन हॉल से कुछ भी लेकर कॉपी या OMR शीट लेकर बाहर नहीं आ सकते हैं। चलिए अभी आपको एक आइडिया हो गया जहाँ पर आप कैंडिडेट के नाम लिखने होते हैं, क्लास एंड सेक्शन। क्रेस्ट ID जब बच्चा फॉर्म भरता है तो उसमें एक ID दी जाती है, वो ID यहाँ पर फिलअप करना होता है। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि देखेंगे मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन KG 1 के बच्चों को पूछा जाता है। हाउ मेनी एप्पल आर सोल्ड इन द इमेज गिवन बिलो। यहाँ पर इमेज में कितने एप्पल दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, A एंड B, जिसमें जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक लगाना है और OMR शीट में फिलअप करना है। अभी हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। हाउ मेनी एप्पल्स आर गिवन इन द इमेज, यहाँ पर कितने इमेज है एप्पल्स है। चलिए देखते हैं बच्चों, 1 2 3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। इस इमेज में 3 एप्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ कम्स आफ्टर जून। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ कम्स आफ्टर जून। जून के बाद क्या आता है। आफ्टर मीन्स बाद में। जून, जून के बाद हमारा जुलाई आता है। जून जुलाई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक द गिवन क्लॉक इज शोइंग क्लॉक। इस क्लॉक में क्या टाइम शो हो रहा है ये हमें बताना है। इस टाइम में 2 बज रहा है, इसमें 2 बज रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Which girls is carrying an empty basket? यहाँ पे कौन सी ऐसी गर्ल्स है जो खाली बास्केट को केयर कर रही है, खाली बास्केट ली हुई है। A एंड B, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। इसके बास्केट में कुछ भी नहीं है, जबकि A गर्ल्स है जिसके बास्केट में कुछ है। नंबर 5, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ इन ऑफ मार्च। मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे ये बताना है कि मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं। नंबर 5, चलिए इधर हम देख लेंगे, 31 एंड 30। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 31। मार्च के मंथ में 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। इसमें जो पिक्चर्स दी गई है इसमें कितने बॉल्स दिख रहे हैं। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं कितने बॉल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितने बॉल्स हो गए, 8। और इधर भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी हो गए 8 एंड 8। बच्चे इसको एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 एंड 8 16, इस तरह काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच कलर सर्कल्स आर मोर देन। यहाँ पे कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4, 5। यहाँ पे येलो सर्कल 5 है। ब्लू देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये कितने सर्कल हो गए 6। तो मोर देन कौन से है? ब्लू जो है सर्कल एक ज्यादा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is the lightweight object? A and B. Torch lightweight है या table lamp? So correct answer is option B, torch. Torch is the lightweight objects. Number 9. Find the difference. 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 1. So यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है। चलिए ऑप्शन है 1 and 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। नंबर 10, आपके साथ मैंने क्रेस्ट ओलंपियाड के डिटेल्स शेयर किए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्रेस्ट ओलंपियाड क्या होता है, बच्चे किस प्रकार पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑल इंफॉर्मेशन सिलेबस ये सारे चीज़ आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं। आइडेंटिफाई द ओवल शेप। इसमें से ओवल शेप कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द ओवल शेप एंड बी इज द सर्कल शेप। 11, कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ सीरीज दी गई है, इसको हमें बताना है नेक्स्ट सीरीज में कौन से नंबर आएंगे। नेक्स्ट सीरीज में चलिए कौन से नंबर आएंगे ये हमें देखना है। यहाँ पे 22, 23, 24, तो नेक्स्ट क्या हो जाता है यहाँ पे 25। 25 हमारा ऑप्शन ए है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मिसिंग नंबर। 31, 32, 34 ये सीरियल वाइज चल रहे हैं। 31, 32 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 and 34। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 33। नंबर 13, आइडेंटिफाई द स्क्वायर शेप। इसमें से स्क्वायर शेप को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बी इज द स्क्वायर शेप एंड ए इज द ओवल शेप। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द सीरीज। ये सीरीज हमें कंप्लीट करना है। सीक्वेंस हमारा जा रहा है सीरियल नंबर वाइज 5, 6, 7, उसके बाद हमारा काउंटिंग में हो जाता है 8 and 9। सो सीक्वेंस हो गया ऑप्शन बी 8 and 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच साइन इज यूज फॉर द गिवन सीरीज। 23 and 23 दोनों तरफ 23 है, यानी ये इक्वल है एक दूसरे के, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा ऑप्शन ए इक्वल। हाउ मेनी सर्कल देयर आर यूज इन गिवन इमेज। इस इमेज में कितने सर्कल हैं? चलिए इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए एंड बी दिया गया है 1, 2, 3, 4। बस यहाँ पे ये 4 सर्कल ही हमें दिख रहे हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, Which clock shows time at 3 o'clock? कौन से ऐसे क्लॉक है जिसमें टाइम 3 o'clock बता रहा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 o'clock। क्वेश्चन नंबर 18, Any mothers made homemade chocolates. Can you count how many chocolates she was made? अनी की मदर्स ने घर में चॉकलेट बनाया है, तो आपको काउंट करके बताना है कितने चॉकलेट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर इन द इमेज बिलो। इस इमेज में कौन से नंबर मिसिंग है? 5, 6, 8। काउंटिंग में हम देखते हैं 5, 6, 7, 8। हमारा क्या मिसिंग है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, Paul is an excellent artist. What is the shape of the eye in the image below, which was drawn by Paul? पॉल एक एक्सेलेंट आर्टिस्ट है, उसने आई की शेप ड्रॉ की है, तो हमें बताना है आई की शेप कौन सी इमेज है, ओवल है या सर्कल. दिस इज अ ओवल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ये प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस थे. अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अचीवर्स सेक्शन, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है अचीवर सेक्शन से. विच इज द गिवन इक्वेशन राइट, 4 + 1 = 5. क्या ये राइट है या रॉन्ग है? यस, दिस इज राइट. 22. अ पेंसिल इज डैश द बॉक्स. पेंसिल बॉक्स में इनसाइड है या आउटसाइड? इनसाइड मीन्स अंदर और आउटसाइड मीन्स बाहर. तो पेंसिल हम कहाँ देख पा रहे हैं? अंदर है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Fill in the blanks that comes between September and November. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Between. Between मतलब बीच में. September और November के बीच में क्या आता है? तो चलिए पढ़कर देखते हैं. September, अगस्त, September, अगस्त, September, अक्टूबर, नवंबर. तो सितंबर और नवंबर के बीच में क्या हो रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अक्टूबर. क्या पूछा जा रहा है? सितंबर एंड नवंबर के बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में क्या आ रहा है? तो अक्टूबर आ रहा है. सो अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24. कंप्लीट द सीरीज डैश डैश 7, 8, 9. ये सीरीज हम देख पा रहे हैं बच्चों, काउंटिंग चल रही है 7, 8, 9. तो इसके पीछे वाली नाम काउंटिंग हमको देखना है. तो ये हो जाता है 5 and 6, 5, 6, 7, 8, 9. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. अल्बर्ट वेंट टू फ्रूट मार्केट with his grandmother and purchased 2 apples from one shop and 3 apples from another. How many apples does he have in total? अल्बर्ट ने अपने ग्रैंडमदर के साथ फ्रूट मार्केट गया था. उसने एक शॉप से 2 एप्पल खरीदे और दूसरे शॉप से 3 एप्पल खरीदे. तो उसके पास कितने एप्पल आ गए? तो कितने हो गए? 2 + 3 = 5. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस रहते हैं आपके क्रेस्ट ओलंपियाड केजी क्लास में. मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पेपर थे. अगर आप इसी प्रकार अन्य क्लास के पेपर के प्रीवियस ईयर के एंड सैंपल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे बने रहें. नेक्स्ट वीडियो हमारा क्लास 1st के लिए मैथमेटिक्स के लिए सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल हो. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.